Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your homes. Students, today I will give you standard third. Now, today I will teach you subject maths, standard third, chapter number third. So, open your verb books, chapter number third. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर थर्ड में पेज नंबर 46 एंड पेज नंबर 47 कंप्लीट किया था. नाउ टर्न योर पेज नंबर 48 पर हमने चैप्टर नंबर थ्री में मैंने आपको कुछ एसडब्ल्यू वर्क दिया था और मैंने ये कैरी सम करवाए थे एडिशंस के. आई होप आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. इट इज आल्सो एडिशंस, ठीक है, बट यहाँ पे आपको एडिशंस इस तरीके से दिया है. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन. स्टूडेंट्स, हम एडिशंस लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, मीन्स वन डिजिट से स्टार्ट करते हैं लास्ट की. यहाँ पे भी हमें सेम यही वर्क करना है. आपको इस तरीके से एडिशंस दिया हो तो आपको लास्ट की डिजिट देखनी है. यहाँ पे लास्ट में 6 है और यहाँ पे लास्ट में 1 है. सो हियर वी एडेड 6 एंड 1. 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट डिजिट की कैलकुलेशंस होने के बाद, एडिशंस होने के बाद आपको फर्स्ट डिजिट देखना है. फर्स्ट डिजिट में यहाँ पे आपको 2 दिया है और यहाँ पे आपको 2 दिया है. सो वी ऐड हियर बोथ द वैल्यू. फर्स्ट डिजिट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. सो अवर आंसर विल बी 47. सेम कैलकुलेट 25 नंबर आपको स्टूडेंट्स 77 दिया है. 77 में आपको 22 ऐड करना है. ओके, सो हियर सी दैट लास्ट डिजिट इज 7 एंड हियर लास्ट डिजिट इज 2. सो वी ऐड हियर 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. 7 में 2 ऐड करो स्टूडेंट, 7 के बाद 2 काउंट करो, 8 एंड 9. ओके, सो वी राइट हियर 9 एंड फर्स्ट डिजिट में आप देखोगे फर्स्ट डिजिट में 7 दिया है यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 2 दिया. अगेन यू ऐड 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. सो अवर आंसर विल बी 99. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट्स अब कैरी के सम आएंगे, ठीक है. तो कैरी के सम जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको इस लाइंस की मेथड से कैलकुलेशन करना नहीं पा रहा है तो आप रफ नोट लोगे होमवर्क की, उसमें आपको ये फर्स्ट डिजिट लिखनी है 2, 4, 24, फिर आपको उसके नीचे 59 डिजिट की वैल्यू लिखनी है 5, 9, 59. ओके, नाउ ऐड बोथ द वैल्यू 4 प्लस 9. तो स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट यहाँ पे देखो 4 है और 9 है. सो वी ऐड हियर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13. सो वी राइट हियर 13 का. यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 13 में 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं. तो 2 डिजिट जब नंबर होते हैं तो लास्ट डिजिट हम यहाँ रख के आगे वाला जो नंबर होता है स्टूडेंट्स वो कैरी फॉरवर्ड करते. ओके, सो वी राइट हियर 3 एंड 1 इज अ कैरी हियर. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. 3 में आप 5 ऐड करो, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. सो अवर आंसर विल बी 83. सेम कैलकुलेशंस क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में इसी तरीके से आपको एडिशंस करना है. ओके, नाउ कैलकुलेट ऑल द सम. इट इज योर एच डब्ल्यू वर्क. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 5 इज सबट्रैक्ट. सबट्रैक्ट मीन्स माइनस. इट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शंस. ओके, नाउ हाउ टू सब्ट्रैक्ट बोथ द वैल्यू. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 5 पेंसिल हो, ठीक है,
फाइव आपने आपके पास पेंसिल ऑलरेडी है, यू हैव फाइव पेंसिल्स एंड आई विल गिव यू टू पेंसिल्स मोर देन ऑफ यू। अगर आपके पास फाइव पेंसिल ऑलरेडी है और मैं आपको टू पेंसिल्स और देती हूँ तो कितनी होगी स्टूडेंट्स, सेवन। ओके, अब उसी सेवन पेंसिल में से आपको उसमें से मैं फाइव पेंसिल टेक कर लेती हूँ, मीन्स लेती हूँ, ठीक है। तो आपके पास टोटल सेवन पेंसिल थी, उसमें से मैंने फाइव पेंसिल टेक आउट कर ली, मैंने उसमें से फाइव पेंसिल निकाल ली और ले ली, ठीक है। तो उसमें से आपको हाउ मच रिमेनिंग पेंसिल यू है, उसमें से आपको कितनी पेंसिल बचेगी आपके पास, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टोटल नंबर में से कोई नंबर्स सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उसमें से जो रिमेनिंग बचता है वो आपको यहाँ पे आंसर में राइट डाउन करना है। ओके, हियर सब्ट्रैक्शंस हो या एडिशंस हो, हमें हमेशा कैलकुलेशन लास्ट डिजिट से ही स्टार्ट करना है। ओके, यू रिमेंबर दिस वन, हमेशा हमें सब्ट्रैक्शंस हो या एडिशंस हो, हमें हमेशा कैलकुलेशन स्टूडेंट्स कहाँ से करना है, लास्ट डिजिट से। सेवन है यहाँ पे, सेवन में से माइनस फाइव करने, यानी सेवन नंबर में से आपको फाइव सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो सेवन माइनस फाइव, सेवन फिंगर काउंट करोगे उसमें से फाइव फिंगर को आप कट कर दोगे, सो हाउ मच रिमेनिंग हियर स्टूडेंट्स, टू। नाउ हियर आर गिवन सिक्स नंबर्स माइनस थ्री, सिक्स में से थ्री आपको सब्ट्रैक्ट करना है। लुक एट हियर, ये फिंगर्स है आपके, फिंगर्स के अंदर आपको इस तरीके से लाइनिंग दी है, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर्स है उसको आपको काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, ये सिक्स नंबर हमने काउंट किया, उसमें से आपको थ्री नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, आपको आपकी सेकेंड हैंड के फिंगर में से वन टू थ्री, तो ये थ्री नंबर्स हमने कट कर दिए, तो बाकी का रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितना बचा, वन टू थ्री, हाउ मच रिमेनिंग हियर, थ्री। सो आवर आंसर विल बी थ्री, टोटल आंसर विल बी 32। सेकेंड इज 78 एंड 24। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्ट्रैक लास्ट डिजिट वैल्यू, 8 माइनस 4 करो स्टूडेंट्स, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। ओके, अगेन 7 माइनस 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो हाउ मच रिमेनिंग हियर, इट इज 5। नाउ लुक एट हियर, 7 माइनस 6, टोटल 7 नंबर में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ओके, तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाउ मच रिमेनिंग स्टूडेंट्स, 1। 9, तो 9 फिंगर में से आप 4 फिंगर कट ऑफ करोगे, तो हाउ मच रिमेनिंग हियर, इट इज 5। ओके, इट इज आल्सो योर एच डब्ल्यू वर्क, आपको इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, ये विदाउट कैरी है। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ सम देखते हैं जो सब्ट्रैक्शन नहीं होते, ठीक है। अभी तक हमने किस में से सब्ट्रैक्ट किया था, ऊपर की जो डिजिट थी वो बिगर थी, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, ग्रेटर में से हम स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ सम ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे आप, तो ये लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ऊपर कौन सी वैल्यू है, 2, और नीचे कौन सी वैल्यू है, 7। सो 2 इज अ स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू मीन्स छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 2 कौन सी है स्टूडेंट्स, स्मॉलर वैल्यू है, छोटी वैल्यू, और 7 कैसी है, बिगर वैल्यू मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है, बड़ी है। तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शंस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिगर में से स्मॉलर को लेस करते हैं। अब स्मॉलर में से हम बिगर को लेस नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 में से आप 7 कैसे कट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही नंबर है, 2 में से आप 7 कैसे कट कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको आगे वाला जो नंबर है वहाँ से 1 के बोरो लेना है,
क्या लेना है, वहाँ से वन बोरो लेना है, एक उधार लेना है आपको, ठीक है। और ये नीचे के वैल्यू को कट ऑफ कर देना है। सो वी कट हियर टू एंड पुट इनसाइड द वैल्यू ऑफ टू हियर, ठीक है। तो थ्री में से वन बोरो हमने यहाँ पे लिया, सो वी कट हियर थ्री में से वन ही आ गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितना बचा, टू, इट इज रिमेनिंग ऑफ टू। आपके पास थ्री फिंगर है, उसमें से वन आपने साइड वाली वैल्यू को दिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना हुआ स्टूडेंट्स, टू। जब भी किसी भी वैल्यू नंबर में से वन बोरो लेते हो, एक उधार लेते हो, तो उस नंबर में से आपको वन लेस कर देना है, ओके। तो थ्री में से वन हमने यहाँ ले लिया, तो थ्री में से वन ही आ गया, तो यहाँ पे वन लेस हो गया, सो वी राइट हियर टू। नाउ इट इज 12, वी गेट इट 12 नंबर। अब हमें 12 नंबर मिल गया, अब 12 में से माइनस 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ओके स्टूडेंट्स। अब 12 बिगर वैल्यू हो गई और 7 स्मॉल वैल्यू, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी राइट हियर 12 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्टूडेंट्स कितना, हाउ मच रिमेनिंग हियर, 5, ओके। नाउ 2 माइनस 1, 2 फिंगर है उसमें से आप 1 फिंगर लेस कर दो, हाउ मच रिमेनिंग हियर, 1, सो वी राइट हियर 1, ओके। सेम क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम मेथड से करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 43 दिया है, माइनस 26 दिया है, लास्ट डिजिट से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 6 आप लेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज 3 इज़ अ स्मॉलर वैल्यू एंड 6 इज अ बिगर वैल्यू, हम छोटे में से बड़ा लेस नहीं कर सकते, बट बड़े में से छोटे को लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को बिग बनाने के लिए आगे से 1 बोरो यहाँ पे कर लेंगे, 1 इज अ बोरो हियर, एंड वी कट दिस वैल्यू 3 एंड राइट दिस 1 इनसाइड, ठीक है। तो हमने 3 को कट कर दिया और जो 1 बोरो लिया था उसके साइड्स में ये नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, नीचे वाले नंबर को यहाँ पे राइट डाउन किया। अब ये 4 में से 1 यहाँ पे चला गया, तो 4 में से 1 यहाँ गया, तो 4 में से 1 यहाँ पे लेस हो गया, मिस कम हो गया, तो 4 में से 1 लेस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, 3, ओके। नाउ 13 माइनस 6, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना, तो 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 को 6 नंबर कट करेंगे, हाउ मच रिमेनिंग, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, इट इज 9, 3 माइनस 2, अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, हाउ मच रिमेनिंग हियर, इट इज 1। नाउ लुक एट हियर 13 नंबर, नेक्स्ट इज 4 माइनस 8, आपके पास टोटल नंबर 4 है, 4 में से आप 8 नहीं कर सकते, अगेन वी बोरो नंबर हियर 1 एंड पुट दिस वैल्यू इनसाइड द 1, अब हमने 4 वाली वैल्यू को साइड में लिखा 1 के बाजू में, ठीक है। अब 5 में से 1 हमने यहाँ बोरो ले लिया, तो 5 में से 1 यहाँ गया, तो हाउ मच रिमेनिंग हियर, इट इज 4। नाउ वी सब्ट्रैक्ट हियर 14 माइनस 8, अब 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट्स, हाउ मच रिमेनिंग, 8 कट कर दो और 14 तक काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाउ मच रिमेनिंग, इट इज 6। 4 माइनस 2, अब स्टूडेंट्स आपके पास 4 पेंसिल है, ठीक है, उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितनी बचेगी स्टूडेंट्स, इट इज 2, ओके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये एच डब्ल्यू वर्क है आपका, ठीक है, 19-8 का, दिस इज योर एच डब्ल्यू वर्क 19-8, ओके। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2, एडिशन स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से किया था, अब सब्ट्रैक्शन पे स्टूडेंट्स इसको भी हमें इस तरीके से करना है।
75 minus 32. Here the question is given 75 minus 32. तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से नहीं फाए तो क्या करना है, आपको आपको रफली वर्क करना है, रफ पेज लेना है, उसमें 75, फिर उसके नीचे -32 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 minus 2, 5 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3। ये 5 फिंगर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो वी सब्ट्रैक्ट 1 2, हाउ मच रिमेनिंग हियर, 1 2 3, ये 5 फिंगर है उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हाउ मच रिमेनिंग हियर, 3 फिंगर, सो वी राइट हियर 3। 7 minus 3, अब 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्टूडेंट्स हाउ मच रिमेनिंग हियर, 5, ओके, सो वी राइट हियर 53। सेम हियर आप लास्ट डिजिट से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 8 है यहाँ पे, लास्ट डिजिट 6 है यहाँ पे, लास्ट वाली डिजिट लास्ट नंबर है 8, यहाँ पे लास्ट नंबर है 6, तो 8 में से 6 माइनस करोगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, इट इज़ 2। अब आगे वाले नंबर में 9 है और यहाँ पे आगे वाले नंबर में 3 है, तो आगे वाले नंबर में 9 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करने, सो हाउ मच रिमेनिंग हियर, इट इज़ 6, ओके। इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शंस में 0 हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर होगा, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 है लास्ट नंबर में, यहाँ भी लास्ट डिजिट और लास्ट नंबर सेम है, ठीक है, सो वी राइट हियर 90 and 50 एंड सब्ट्रैक्ट साइन, नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द वैल्यू, 0 minus 0 is equal to 0, 9 minus 5, 9 में से आप 5 कट करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आएगा, हाउ मच रिमेनिंग, इट इज़ 4, ओके। अगर सब्ट्रैक्शन में ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम होगी सो अवर आंसर विल बी 0, हमारा आंसर होगा 0, ये आपको ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन में ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो, बोथ वैल्यू आर सेम, सो अवर आंसर विल बी 0। 9 minus 5, अब यहाँ पे 9 है या 5 है, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स, वी गेट इट 4, ओके, इट इज़ आल्सो योर HW1। तो आपको स्टूडेंट्स आपके वर्क बुक में क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट करना है 45 तक, ओके। डू योर सेल्फ मोर देन प्रैक्टिस इन योर वर्क बुक एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन सम, ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है सब्ट्रैक्शंस और एडिशन की, ओके, इट इज़ योर HW1 क्वेश्चन नंबर 5। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बी हेल्दी, एट योर स्टे एट योर होम्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 6 में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।